आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की इस विशेष खास खबर पर। भूख प्यास तड़पते रहे बेजुबान पशु, बेखौफ नजर आई जैसे ही नगर की पुलिस। थाना जैसे ही नगर के आमडीहा का पूरा मामला। गत रात्रि जैसे ही नगर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अमडीही से 46 नग भैंस 3 ट्रकों में लाद कर कानपुर उत्तर प्रदेश गौक्सी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है। जैसे ही नगर पुलिस की टीम में बजेंद्र सिंह मार्को, जयबली सिंह, रामप्रसाद प्रधान आरक्षक, गुलाब सिंह शिशिर, सिंह राजपूत, तुलसी राम, रमेश वर्मा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 ट्रकों में ठूस ठूस कर भरे हुए 46 नग भैंसा जब्त किए, जिनमें 5 नग भैंस थी एवं 41 नग भैंसा, जिनमें एक भैंसा गंभीर रूप से जख्मी होकर मृत पाए हुए पशु को अपनी अभिरक्षा में लिया। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराओं के तहत मर्ग कायम कर विवेचना किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही नगर पुलिस विभाग की कार्रवाई पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जब उन बेजुबान को गत रात्रि में पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर विवेचना किया जा रहा है, तो उन बेजुबान पशुओं के चारा पानी का प्रबंध भी कराना जरूरी था। लेकिन इन सबसे परे जैसे ही नगर पुलिस द्वारा विवेचना के नाम पर मशगूल रहे एवं बेजुबानों को अभिरक्षा के नाम पर मानवीय दृश्य को व्यथित करती दृश्य दिखाई दी, जिनमें सभी बेजुबान पशुओं के पैर एक दूसरे से बांधकर भूख प्यास से तड़पते हुए छोड़ दिया गया। खबर लिखे जाने तक ना तो पुलिस प्रशासन द्वारा न ही पशु तस्करों द्वारा मुक्त पशुओं के चारा पानी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा कसूर इन बेजुबानों का ही हो। सवाल यह भी उठता है कि पशु तस्करी करने में क्या वर्दी धारियों के सह पर अंजाम दिया जाता है, या फिर कुछ और ही मामला कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शहडोल ब्योहरी से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।